दोस्तों 5G ऑक्शन खत्म होने के बाद एक सबसे बड़ी पहल, सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पे निकल कर रही। जहाँ पे दोनों कंपनी जियो और एयरटेल के अपने अपने दावे हैं कि पूरे भारत में हम 5G लॉन्च कर देंगे। जियो बोल रहा है कि 1000 सिटीज में हम स्टैंड अलोन 5G लेके आएंगे, प्रीमियम 5G लेके आएंगे। एक तरफ दोस्तों एयरटेल बोल रहा है कि हम 5000 सिटीज तक 2024 मार्च तक लेके जाएंगे 5G, और नॉन स्टैंड अलोन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन के बीच में जो फाइट चल रही है, ये क्या है दोस्तों? क्या जियो का जो सुपीरियर 5G है वो एयरटेल को टक्कर दे सकेगा, या एयरटेल दोस्तों नॉन स्टैंड अलोन जो पूरी दुनिया में ग्लोबली 90% यूज़ की जा रही वाली टेक्नोलॉजी है, क्या ये जियो को टक्कर दे सकेगी? इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन है ज़्यादा सुपीरियर, और भारत में 5G जो होगा उसमें किसकी मोनोपोली आएगी, कौन दोस्तों 5G की गेम को यहाँ पे जीतेगा, कौन दोस्तों भारत में करोड़ों सब्सक्राइबर तक अपने 5G को सबसे पहले सस्ते में लेके जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं 5G ऑक्शंस यहां पे 1 अगस्त को खत्म हो चुके हैं और यहां अलॉटमेंट का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है यहां पे, और उसके दोस्तों बोलते ना कि 1 से 1.5 महीने के बाद यानी अक्टूबर के आसपास आपको 5G भारत में कमर्शियली रोल आउट होते नजर आएगा। लेकिन हाँ, इस 15 अगस्त कुछ दिनों बाद 15 अगस्त में कुछ कुछ जगह पे सांकेतिक रूप पे दिखाने के लिए जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया अपने 5G को लॉन्च करेंगे, जो सरकार ने यहां पे कहा था मोदी जी ने 15 अगस्त पे कुछ कुछ जगह, लेकिन अक्टूबर तक आपको देखने को नजर आएगा। दोनों ही कंपनी जियो एयरटेल दोस्तों बड़े बड़े प्लान बना रही है। जियो बोल रहा है कि मैं 1000 बड़े सिटीज में लॉन्च करूंगा, एयरटेल बोल रहा है कि 5000 सिटीज में लॉन्च कर दूंगा 1.5 साल के अंदर, ही प्लानिंग चल रही है। लेकिन अभी इनके पास जो 5G स्पेक्ट्रम है उसमें दोस्तों चीज यहां पे कैच निकल के आ रहा है, जहां पे जियो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम दोस्तों जो बल्क में परचेस किया ना, मतलब एयरटेल से डबल से भी ज्यादा बोल सकते हैं। एयरटेल ने 43,000 करोड़ का परचेस किया, यहाँ पे जियो ने ऑलमोस्ट 88,000 मतलब ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का 5G स्पेक्ट्रम परचेस किया, यस, जिसके अंदर खास करके आता है 700 MHz, जो प्रीमियम नहीं सुपर प्रीमियम बोला जाता है, खास करके एक टावर लगाओ और आसपास के दोस्तों 10 किलोमीटर तक के मतलब जितने भी गांव है, 10-20 गांव, उन सभी में आप यहां पे 5G रोल आउट कर सकते हैं, वो प्रीमियम 5G। जियो जो है दोस्तों खुद का 5G हार्डवेयर डेवलप कर चुका है, मेड इन इंडिया 5G बना चुका है, स्टैंड अलोन नेटवर्क को यहाँ पे पूरे भारत में लॉन्च करेगा। जबकि एक 200 रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में जो भी 5G लॉन्च हुआ ना, 90% ग्लोबली नॉन स्टैंड अलोन लॉन्च हुआ है। ये टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन वाली होती है, सस्ती होती है, टिकाऊ होती, कम खर्च में हो जाती है, इसकी थोड़ी लाइबिलिटीज भी होती है, मतलब ये ज़्यादा मास लेवल पे बड़े बोलते हैं ना स्पीड को कैटर नहीं कर पाती, लेकिन हाँ ये आपको सस्ती पड़ जाती है। लेकिन स्टैंड अलोन दोस्तों प्रीमियम होती है और खतरनाक स्पीड यहाँ पे देती है, लेकिन जियो जो दोस्तों स्टैंड अलोन के साथ जाने वाला, तो दोनों में पंगा क्या होने वाला, तो दोनों देख लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे, यहाँ तक कि गोपाल विट्टल एयरटेल के जो CEO वो तो बता रहे कि हमारा नॉन स्टैंड अलोन जो नेटवर्क होगा वो 5G बेहतरीन तरीके से लेके आएगा, यस, और जियो को कड़ी टक्कर देगा। देख सकते हैं 5G NSA अलाउ एयरटेल टू यूज 4G टेक्नोलॉजी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, फ्री में हम 4G टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकेंगे हमारे नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के दम पे। इन्होंने कुछ यहाँ पे दोस्तों चीजें भी बताई कि किस तरह से बेटर होगा। सबसे बड़ी चीज इन्होंने बताई कि नॉन स्टैंड इज दैट ऑल डिवाइस वर्क इन दिस मोड, नॉन स्टैंड अलोन जो है ना उसमें सारे के सारे डिवाइसेस, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबली 90% नॉन स्टैंड अलोन यूज हो रहा, तो ज्यादातर डिवाइस बनाने वाली कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी नॉन स्टैंड अलोन डिवाइस जो नेटवर्क है उसको यहाँ पे प्रेफर करती है, ज्यादातर वो कंपेटेबल रहता है। इट इज द मोस्ट वाइडली अवेलेबल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, सबसे वाइड इकोसिस्टम है नॉन स्टैंड अलोन जो पूरी दुनिया में वापरा जा रहा है, यूज किया जा रहा है। एज यू नो द टेलीकॉम इज अ गेम ऑफ इकोसिस्टम का गेम है टेलीकॉम सेक्टर, और US और साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन दोनों ही लॉन्च किए गए हैं साउथ कोरिया के अंदर और US के अंदर, लेकिन स्टैंड अलोन सिर्फ 10% है 5G ट्रैफिक का, ये बात चल रही दुनिया के बेहतरीन देशों में, US और साउथ कोरिया में तो 10% ही स्टैंड अलोन नेटवर्क यहाँ पे यूज होता है, यूटिलाइज होता है, ट्रैफिक आता है। नॉन स्टैंड अलोन पे ज्यादा 90% का टैरिफ यहाँ ट्रैफिक निकल के आता है। यहाँ पे ये बताया कि एग्जिस्टिंग 4G टेक्नोलॉजी जो होगी इसको नो कॉस्ट पे यहाँ पे यूज कर सकेंगे हम नॉन स्टैंड अलोन के अंदर, और हमारे पास अच्छा खासा दोस्तों हमारे जो रेडियो है स्पेक्ट्रम से हम उसको यहाँ पे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे। फाइनली ये भी बताया कि एडवांटेज जो होगा यहाँ पे NSA का वो होगा फास्टर आपको कॉल कनेक्टिविटी मिलेगी, वॉइस क्वालिटी आपको पहले से ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी, फास्टर आपको यहाँ पे अपलिंक मिलेगी, जहाँ पे बाकी जितने भी मैसेज स्पेक्ट्रम यहाँ पे हैं जिसके पास मिड बैंड के अंदर, उससे ज़्यादा आपको नॉन स्टैंड अलोन के अंदर आपको बेहतरीन
बोलते हैं ना अप टाइम मिलेगा, अपलिंक आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। ये बहुत सारी चीजें दोस्तों बताई जा रही है। और एक और उन्होंने एक चीज बताई कि स्टैंड अलोन मोड जो है 5G जो है वो अंडर डेवलप्ड, अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उसको और इवॉल्व करना है। बाकी नॉन स्टैंड अलोन जो है पूरी दुनिया में यूज की जा रही, तो ये अच्छे खासी यूज केसेस के हैं, तो उसका सिस्टम डेवलप हो चुका है। ऐसी कुछ 200 चीजें यहाँ पे गोपाल विट्टल यहाँ पे बता रहे हैं एयरटेल के सीईओ के, नॉन स्टैंड अलोन जो है पावरफुल। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि हम स्टैंड अलोन भी लॉन्च करेंगे कुछ कुछ जगह पर, लेकिन इनका मोस्टली फोकस होगा नॉन स्टैंड अलोन जो सस्ता भी है, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे ओपन रेन टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, जिसके हिसाब से सस्ते में कम में या अच्छा खासा 5G पूरे भारत में यहाँ पे लेके जा सके। लेकिन इसके सामने अगर दोस्तों बात करें जियो की, तो जियो का एक अलग एडवांटेज है, देख सकते हैं भारतीय एयरटेल और जियो हु विल विन द रेस ऑफ 5G बैटल, कौन जीतेगा दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स दोस्तों बता रहे हैं। एडलवाइज सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई जहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल में दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है इको सिस्टम रोलिंग ऑफ द 5G सर्विस को, कि एक नॉन स्टैंड अलोन पे जाएगा, एक स्टैंड अलोन पे जाने वाला है। कौन डोमिनेट करेगा 5G भारत के अंदर, कौन करेगा, यहाँ पे बात की जा रही है कि दोनों ही दोस्तों अपने अपने यहाँ पे एज लेके आए 5G रोल आउट हम करेंगे। एयरटेल बोल रहा है कि मैं नॉन स्टैंड अलोन पे करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे 90% पूरी दुनिया में नॉन स्टैंड अलोन है, तो मैं यहाँ पे वही फॉलो करूंगा। यहाँ पे बात करें जियो की, तो वो स्टैंड अलोन मोड को यूज करेगा, जो बोलता है उसका इको सिस्टम दोस्तों अभी इवोल्व होना बाकी, लेकिन बहुत फास्टली इको सिस्टम डेवलप होगा। और अगर जैसे ही डेवलप हो गया तो एयरटेल की हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी, क्योंकि बात ऐसी की जा रही है कि स्टैंड अलोन बहुत पावरफुल 5G यहाँ पे दे सकता है आपको। 5G विल बी बैटल ऑफ जायंट्स, दोनों के बीच में दोस्तों टक्कर होगी, वास्टली डिफरेंस होगा दोनों की स्ट्रेटेजी पे कैसे यहाँ पे होगा। बात की जा रही है कि दोस्तों एयरटेल ये पे बोल रहा है कि इको सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं है स्टैंड अलोन का, इसलिए हम नॉन स्टैंड अलोन पे यहाँ पे जाएंगे, ये एडलवाइज सिक्योरिटी यहाँ पे बता रही है। बात की जा रही है दोस्तों एयरटेल और जियो दोनों ही दोस्तों टेक्नोलॉजी अपने अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जहाँ तक कि जियो ने तो खुद का 5G हार्डवेयर डेवलप कर लिया भाई, उसने खुद का। एयरटेल को अभी 20,000 करोड़ यहाँ पे दिए उसने, किसको, नोकिया सैमसंग और एरिक्सन जैसी कंपनी को, हार्डवेयर के लिए। जियो खुद का हार्डवेयर बना चुका, तो जियो का एडवांटेज रहेगा। जियो की दोस्तों अगर बात करें जहाँ पे एयरटेल यहाँ पे नॉन स्टैंड अलोन के जाएगा, जियो की बात करें तो यहाँ पे 5G रोल आउट वो करने वाला है। और एयरटेल ने ये भी दावा किया था कि मैं मार्च 2024 तक यहाँ पे पूरे भारत में 5,000 सिटीज़ में लेके आऊँगा, जियो ने बोला मैं 1,000 सिटीज़ में स्टैंड अलोन 5G यहाँ पे लेके आऊँगा। और ये भी बात की जाएगी, पहला इकलौता ऐसा दोस्तों जियो है पूरे भारत के अंदर जो 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम हजारों करोड़ों खर्च करके लिया है। मैंने बता था ना कि ये बहुत ही यूनिक होने वाला, ये गेम चेंजिंग स्पेक्ट्रम होने वाला 700 मेगाहर्ट्ज, ये पूरे भारत में सारे के सारे सर्कल पे यहाँ पे यूटिलाइज करेगा जियो। जहाँ पे बात की जा रही है कि ये लॉन्ग रेंज के लिए काम आता है, हाई स्पीड आपको मिलती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है, 5 से 10 किलोमीटर तक की रेंज। गांव में जैसे कि मैं बताना, गांव में खास करके रूरल इंडिया में बहुत काम आएगा ये, क्योंकि एक टावर लगाने से आपका 5-10 किलोमीटर यानी कम से कम, हर बोलते ना कि गांव में तो एक एक किलोमीटर में एक एक गांव आ जाता है, एक किलोमीटर भी ज़्यादा बोल गया मैं आपको, तो ऑलमोस्ट 10-12 गाँव तो ये एक टावर से कवर कर लेगा। तो ये होगा एडवांटेज जियो के स्टैंड अलोन दोस्तों 5G का, खास करके 700 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये सारी चीज़ें जियो यहाँ पे बता रहा है, एयरटेल अपने तर्क यहाँ पे लेकर है, लेकिन एयरटेल जो है थोड़ा सा दोस्तों ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें गोपाल विट्टल जी लग रहे हैं, क्योंकि सोचने वाली बात है, स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हायर टेक्नोलॉजी है, दुनिया उसको इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि वो महंगी है। दुनिया मतलब जितने भी ऑपरेटर चाहते हैं कि सस्ते रेट में काम हो जाए और लोगों को यहाँ पे 500-150 MBPS में खुश हो जाए, लेकिन अगर जियो यहाँ पे स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के हिसाब से 300, 400, 500 और 1-1 GBPS की स्पीड दे, तो डेफिनेटली जियो यहाँ पे डंका बजा देगा, क्योंकि जियो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है ना भारत के लिए तो बना रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला है। तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो जियो और एयरटेल के बीच में यहाँ पे स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन की जो यहाँ पे बैटल्स हो रही है, दोनों ही कंपनी अपने अपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती है। एक तरफ एयरटेल बोल रहा है कि हमारा जो नॉन स्टैंड अलोन है सस्ता तो है, लेकिन ये जियो से काफी अच्छा, क्योंकि जियो का जो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी वो अभी अंडर डेवलप्ड है, अच्छी तरह डेवलप नहीं है। पूरी दुनिया में 90% जो देश है, 90% जो कंपनीज है, वो यहाँ पे नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज करिए। और इस तर्क को देते हुए एयरटेल बोल रहा है कि हमारा जो 5G होगा बेहतरीन 5G होगा। दूसरी तरफ जियो दोस्तों बोल रहा है खुद का 5G हमने डेवलप कर लिया, हमको हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं है, स्टैंड अलोन प्रीमियम 5G सर्विस हम देने वाले, और एक साथ और हमारा जो नेटवर्क है वो 5G रेडी, तो एक साथ 1000 सिटीज और पूरे भारत के अंदर लॉन्च करेंगे, खास करके 700 मेगाहर्ट्ज़ जो देखने वाली चीज होगी जियो की, जो मतलब एक टावर लगा के 10-15 गांव तक यहाँ पे अपने 5G सर्विस देगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों 5G के अंदर कौन यहाँ पे अपर हैंड है, कौन दोस्तों यहाँ पे भारी पड़ने वाला है जियो और एयरटेल के बीच में, क्योंकि VI को हम इस गेम में अभी नहीं ले रहे, उसको पैसे की तकलीफ है, तो वो कुछ कुछ पोर्शन पे ही अपना 5G लॉन्च करेगा, लेकिन एयरटेल और जियो पैन इंडिया में 5G लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर फिलहाल मुझे अगर मेरी पर्सनल राय माने तो यहाँ पे जियो का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उसने 5G हार्डवेयर डेवलप कर लिया है, खुद का 5G डेवलप कर लिया है, स्पेक्ट्रम के मामले में अच्छा खासा स्पेक्ट्रम परचेस किया, और स्टैंड अलोन 5G लेके आएगा, प्रीमियम 5G सस्ते रेट में दे सके, क्योंकि हार्डवेयर खुद का है। तो अगर सस्ता और अच्छा मिला लोगों को, तो डेफिनेटली लोग एयरटेल नहीं जियो के पास यहाँ पे जाएंगे। नीचे कमेंट करके बताओ मुझे दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन इस रेस के अंदर जीतेगा, कौन होगा भारत का पहला सबसे बेस्ट 5G नेटवर्क,
नीचे कमेंट कीजिए, बताना और ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर दीजिए, आपके भाई का चैनल है, वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ, उन्हें फिर चलेगा, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे वीआईपी मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, जल्दी से दबा दीजिए, इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाना चाहिए, जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबा देना, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए वाच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।